ये देख रहे हैं दोस्तों आज के मंडी के गेट की स्थिति, जो कि मैं आपको एक डायरेक्टली स्थिति बताना चाहूँगा कि आज से मंडी के गेट का हल किस प्रकार का हमें देखने को मिला है। मंडी के अंदर की तो स्थिति मैं देख कर आया हूँ, जब तक मैं आपको यहाँ की स्थिति बताना चाहूँगा कि मंडी के गेट की रिपोर्ट आज क्या है, तो इसी के अनुसार देखेंगे तो मंडी में सारा माल बिकना आज भी संभव देखने को लग नहीं रहा है कि सारा माल मंडी के अंदर बिक जाए। कुछ भी माल मंडी के अंदर भी पेंडिंग रहेगा तो, और बॉक्स के अंदर हैं तो बॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो बॉक्स हैं, तो इसी वजह से बॉक्स भी सारे बिक पाना ये संभव दिखता नहीं है। अगर इलाम अगर किसी प्रकार से जो अभी फील्ड के अंदर चल रहा है चलेगा, जो शाम को मंडी के अंदर का बॉक्स के अंदर उसी के अंदर इलाम चलेगा जो शनिवार का माल पेंडिंग बचा है बॉक्स के अंदर का, तो दोस्तों वो स्थिति है। उसके बाद में जो चेंजेस होगा कुछ भी, वो भी सूचना मिली नहीं है कि किस प्रकार का मंडी प्रशासन उसको चेंजेस करें, लेकिन कुछ भी बॉक्स के अंदर कुछ चेंजेस की है वो भी कंफर्म हुआ नहीं है ताकि मैं आपको जानकारी बता सकूं दोस्तों। बाकी जिस प्रकार से भी अगर आप देखेंगे तो मंडी की स्थिति, मंडी के गेट पर जो कि अगर आपको वाहनों की संख्या बताऊं तो लगभग 70 वाहन या फिर 60 प्लस वाहन देखने को मिलेंगे, 60 से 70 और भी वाहनों की कतार मंडी के अंदर बढ़ सकती है। ये स्थिति है दोस्तों जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। दोपहर की स्थिति आप वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे और इसी के अनुसार अगर मंडी के अंदर की भी स्थिति मैंने आपको बताई है कि गेट पर भी जो वाहन है तो मंडी के अंदर भी माल सारा बिकना जिस प्रकार से चल रहा है तो संभव दिखता नहीं है, या तो कुछ माल पेंडिंग आज रहने की संभावना हमें भी देखने को आज मिल रही है। मंडी के बाजारों में स्टॉक मालों में जोश देखने को मिला, जो मैंने स्थिति आपको पहले ही बता दी है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार जानकारी देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि मित्रों आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई थोड़ा मंडी से सारी जानकारी देख पाएँ।